फ्रेंड्स, ये विंटर्स की वजह से ना मेरे हेयर्स जो है काफी ड्राई हो गए थे, डल हो गए थे एंड फ्रीजी हो गए थे। तो मैंने टेंशन लेने लग पड़ी कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा ना वो टाइम टेकिंग होता है और मेरे पास इस समय टाइम की शॉर्टेज चल रही है। इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं बनाऊं, DIY रेसिपीज बनाऊं और अपने बालों पे लगा लूं। ठीक है जी, इसीलिए आज मैं एक ऐसा हेयर मास्क आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ जो कि 98% जो है नेचुरल होगा, वेगन होगा और साथ में नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है। कह लो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर और रेडीमेड भी है, आप लोगों को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जी किचन में जाके वो DIYs नहीं बनाने पड़ेंगे, आपके पास ऑलरेडी एक DIY हेयर मास्क होगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो ये वीडियो जो है आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा बिना स्किप किए। ठीक है जी, और साथ में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे एक रेड बटन दिख रहा है वो क्लिक करके ग्रे कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन होगा वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियोज डालूं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है जी, चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये गार्नियर फ्रूटीज की तरफ से हेयर मास्क है फ्रेंड्स। ये इस समय मेरे पास इसके 2 वेरिएंट्स हैं, बट इसके 4 वेरिएंट्स जो हैं मार्केट में आपको मिलेंगे। तो इस समय जो 2 वेरिएंट्स मेरे पास है ये मैकाडामिया एंड ये है बनाना हेयर फूड। ठीक है जी, 2 तरीके के हेयर मास्क है, आपके ड्राई हेयर्स है, फ्रीजी हेयर्स है, डल हेयर्स है, जान नहीं रह गई है, तो ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से काम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हम इनके मेन जो कह लो कि वाव फैक्टर्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की है वो ये है, 98% जो है ओरिजिनल है ये, मतलब इसके अंदर कोई भी तरीके के केमिकल्स नहीं है, 98% इसके अंदर चीजें नेचुरल है फ्रेंड्स। सोच के देखो, यही चीज जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इवन मुझे भी अट्रैक्ट किया और मैंने इसको यूज किया। ठीक है जी, और साथ में पैकेजिंग काफी अच्छी है, ठीक है ना। चलो वापस आते हैं अपने वाव फैक्टर्स पे फ्रेंड्स। साथ के साथ ना इसके अंदर है वेगन फॉर्मूला, ये है, इसके अंदर सिलिकॉन नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ठीक है जी, तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, आपका हेयर्स पे अगर आप कुछ भी लगा रहे हो वो कम्प्लीटली नेचुरल रहने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है कि अगर आपने एक बार हेयर मास्क यूज किया उसके बाद आपको हेयर फॉल होने लग पड़ा या आपके बाल कुछ टाइम के बाद और ज्यादा फ्रिजी हो गए और ज्यादा ड्राई हो गए। ठीक है जी, तो जब आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना तब जो है आप सेफ साइड हो जाते हो, आपको टेंशन नहीं होती, हाँ यार मैंने तो एक सेफ प्रोडक्ट यूज किया है, कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। मैं ऐसी पर्सन हूँ, कुछ बहुत ज्यादा केमिकल चीजें मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करती हूँ। तो ये रहा वो प्रोडक्ट जो कि मैं आई थिंक सो अपने हेयर केयर रूटीन में जरूर ऐड करने वाली हूँ। ठीक है जी, और फ्रेंड्स सबसे अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट ना आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो, सोच के देखो, एक प्रोडक्ट एंड 3 वेज। वाओ, दैट्स नाइस। फर्स्ट वे है फ्रेंड्स यूज करने का एज अ कंडीशनर, आपने शैम्पू करना है अपने हेयर्स को, उसके बाद ये मास्क अप्लाई करना है एज अ कंडीशनर, देन आपने इसको धो लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट वे है इसका एज अ हेयर मास्क। ठीक है, आपने जो है अपने शैम्पू किया हेयर्स को, देन आपने जो है ये लंबे बालों में और नीचे के बालों में इसको एज अ हेयर मास्क लगाया, 1 मिनट के लिए रखा, देन आपने हेयर वॉश कर लिया। ठीक है जी, थर्ड वे है फ्रेंड्स इसका एज अ लीव इन कंडीशनर। ठीक है, इसको आप एक तरह से लीव इन कर सकते हो फॉर अ कंप्लीट डे। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट आपने लेना है और अपने वेट हेयर्स पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है, इवन आप इसको ड्राई हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एज अ लीव इन कंडीशनर। ठीक है जी, एंड फ्रेंड्स आई मस्ट से इसकी जो खुशबू है ना, माय गॉड, बहुत ही अच्छी है और बहुत ज्यादा ना यमी काइंड ऑफ इसकी स्मेल है, मन करता है इसको खा जाओ।
सच में ऐसा लगता है कुछ खाने की चीज है, क्योंकि खाने जैसी ना स्मेल आ रही है, इसमें से खुशबू आ रही है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। टब काइंड ऑफ पैकेजिंग है, ट्रेवल फ्रेंडली भी है ये प्रोडक्ट, और इवन ना फ्रेंड्स इसके जो है शैम्पू एंड कंडीशनर्स भी आते हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब बारी आती है रिजल्ट्स की, इसको यूज करने के बाद मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। फ्रेंड्स इसको यूज करने के बाद जो मेरे बालों में ड्राइनेस सी थी ना वो सारी कंप्लीट होगी, एंड आई मस्ट से फ्रेंड्स एक बार यूज करने पर ही इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरे हेयर्स की जो ड्राइनेस थी वो चली गई, फ्रिजीनेस जो है इसमें बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है, एक ना डलनेस ही खत्म हो जाती है, एक शाइन आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे ना बालों के अंदर जान आ गई है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट यूज में ही ना आप लोग जो है डिफरेंस इसका देख पाओगे फ्रेंड्स, जो कि काफी अच्छी चीज मुझे लगी है, काफी एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ चीज लगी है, बिकॉज प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टाइम में जो है इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, रेगुलर यूज पे जो है रिजल्ट्स मिल पाते हैं फ्रेंड्स, बट इस प्रोडक्ट ने मुझे फर्स्ट टाइम में ही काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ये प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आई रियली रिकमेंड इट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक तो पक्का कर देना ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, और प्लीज कर देना ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं ठीक है जी। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।